नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पैसा रुकता नहीं, रोग जाता नहीं, खुशियां आती नहीं, क्लेश कम होता नहीं, किस्मत साथ देती नहीं, तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, हम और मैं, हर शख्स आज, हम में से हर शख्स किसी ना किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी को पैसे की किल्लत है तो किसी को रोग सताता है, किसी के घर में क्लेश कम होने का नाम नहीं लेता है तो किसी की किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती है। अगर आप भी अपनी इस दशा से दुखी हैं तो आज के कालचक्र के साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन दिशाओं के बारे में बताएंगे जो आपकी दशा को बिगाड़ रहे हैं। इस चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहली दिशा यानी पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में दोष होने पर हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही इस दोष से बचने के लिए कौन से उपाय करने जरूरी हैं जिनको करके हम इस दोष से बच सकते हैं, पंडित जी से जानेंगे। बताए पंडित जी, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम प्रकृति के साथ मानव के सामंजस्य के ऊपर निर्धारित है। प्रकृति से मानव अपना सामंजस्य स्थापित करके किस तरह से सफलता की बुलंदियों को पा सकता है, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य थीम है। देखिए, सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करते हैं, इसलिए कि सूरज को भी पूर्व पसंद है, तो अगर सूरज पूर्व से आ सकता है तो हम भी पूर्व से शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा का प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है और महर्षि पारसर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम आत्मा वै दिन कृते यत्र। आत्मा का कारग्रह जो है वो सूर्य है, आरोग्य का कारग्रह सूर्य है, राज्य और प्रतिष्ठा का कारग्रह सूर्य है, यश और सौभाग्य का कारग्रह सूर्य है, पिता का कारग्रह सूर्य है। पूर्व दिशा अच्छे स्वास्थ्य, धन वृद्धि और सुख समृद्धि की दिशा है। जिस घर का मुख्य द्वार बड़ा होता है, जिस घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, जहां भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे घर में पूर्व दिशा का दोष नहीं लगता है। ऐसे घर में रहने वाले स्वस्थ, पराक्रमी, तेजस्वी, सुख समृद्धि से पूर्ण होते हैं। पूर्व दिशा में दोष है, जैसे पूर्व दिशा में खुला और खाली स्थान नहीं है, तो घर की पूर्व दिशा में कूड़ा, कबाड़, पत्थर या मिट्टी का ढेर है तो संतान की हानि हो सकती है, पितर दोष की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण कार्यों में सफलता मुश्किल से मिलती है। पिता और अपने इमीडिएट बॉस से संबंध खराब रहते हैं अगर पूर्व दिशा खराब होगी तो। घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहेगा। घर का मुखिया वो नहीं होता जो घर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का मुखिया वो होता है जो घर को संचालित करता है, जिसके निर्णय से, जिसके पराक्रम से, जिसके पुरुषार्थ से और जिसकी सोच से घर चलता है, जो घर का मुख्य होता है वो घर का मुखिया होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए एक, पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो कहने का आशय ये है कि अगर इष्ट का डायरेक्शन पूर्व की दिशा में दोष है और सरकारी नौकरी है तो उसमें परेशानी आएगी, और अगर पूर्व दिशा में दोष है तो व्यक्ति का सांसारिक और आध्यात्मिक विकास कमजोर हो जाएगा। पूर्व दिशा में दोष होने पर फिजूल खर्ची बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है, कलेश रहता है। पूर्व दिशा में दोष होने पर सिरदर्द, नेत्र रोग, क्षय रोग, अस्थि रोग, हृदय रोग, दांत और जीभ के रोग, मस्तिष्क और बुद्धि की दुर्बलता, शरीर में अकड़न रह सकती है, पीलिया हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए उपाय जो है वो ये है कि पूर्व दिशा में दोष होने पर हर रोज सूर्य को तांबे के लोटे से
अर्घ जरूर दें और तीन बार बोलें, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायण राय नमः, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायण राय नमः। तीन बार इस मंत्र को बोलें। पूर्वी दीवार पर तांबे का बना हुआ कूर्म पीठ पर सूर्य यंत्र बनवा करके स्थापित करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का नित्य प्रातः काल पाठ करें और गायत्री मंत्र का कम से कम तीन माला अर्थात 324 बार रुद्राक्ष की माला पर पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्योदय के समय जप करें। इन सब उपायों से पूर्व दिशा के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास शुरू हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी बता रहे हैं कि अगर आपके घर की दिशा में कोई दोष है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, दुख हो सकते हैं, लेकिन उपाय भी साथ में बता रहे हैं क्या आपको करना चाहिए। इसलिए लगातार कालचक्र को आप देखते रहिए ताकि आपको समझ में आएगा अपने घर के बारे में, उन दिशाओं के बारे में, उन दोषों के बारे में और उन दोषों से कैसे मुक्त हो सकते हैं इसके बारे में। पूर्व दिशा की तो बात हो गई, अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में अगर कोई दोष है तो आप कौन कौन से रोगों का शिकार हो सकते हैं, साथ ही दिशा के दोष से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण और वहां का प्रतिनिधि ग्रह जो है वो है शनि। शनि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि ग्रह को आयु, रोग, कठोर वाणी, सेवक कर्मचारी का कार्य ग्रह माना जाता है। पश्चिम दिशा सफलता, संपन्नता और उज्ज्वल भविष्य को निर्धारित करने की दिशा है। घर में वर्षा का जल पश्चिम दिशा से बाहर निकल रहा हो तो परिवार के पुरुष लंबी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। घर की पश्चिम दिशा में दोष होने पर संतान सुख में कमी आ सकती है। पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, गठिया या वात संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। घर की पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर आमदनी अनियमित रहती है। पश्चिम दिशा में अग्नि स्थान हो तो पित्त संबंधी रोग बढ़ने लगते हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए इस दिशा में वरुण यंत्र लगाना चाहिए। वरुण देव जल के देवता हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम दिशा के भूखंड या पश्चिमी भाग में गड्ढा, दरार या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा की खिड़कियों को बंद कर दें या उनका आकार पूर्व दिशा की खिड़कियों से छोटा करवाएं। शनिवार को शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं, शनि स्त्रोत और शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं। पश्चिम दिशा की चार दीवारी अगर ऊंची है और पश्चिम दिशा में अगर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं तो ये भी पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने वाला एक बहुत बड़ा उपाय है। पश्चिम दिशा में अगर दोष है तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी है शीतल चेन्नई से। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात कर सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, मैं शीतल बोल रही हूँ। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है देवम। उसकी जन्म तिथि है 28 सितंबर 2004। पंडित जी, उसको क्या बिजनेस या धंधा करवा सकते हैं जिससे इसकी आजीविका चल पाए, और वो मतलब उसको किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई काम करने का या पढ़ाई में, तो उसको क्या सिर्फ खेल में ही उसको इंटरेस्ट है, तो मतलब उसको क्या करवाया जाए,
जिसे इसकी आजीविका चल पाए। देखिए शीतल जी, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह को देख रहे हैं तो शनि मणौ योग कारक है। आप अपने बेटे से धीरे धीरे ही सही एजुकेशन से संबंधित व्यवसाय करवाएं, जैसे स्टेशनरी, बुक्स, किताब कापियाँ, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब काम। अगर वो अभी से इन कामों के प्रति अपना ध्यान आकर्षण करे और इन कामों को करे तो आगे चल करके इन कामों में वो बड़ा आदमी बन सकता है और ये काम पूरे जिंदगी उसके लिए लाभकारी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात उत्तर दिशा की करेंगे, उत्तर दिशा में अगर दोष है तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं, साथ ही सबसे बड़ी बात उपाय क्या करें ताकि उस दोष से मुक्त हो सके, इस बारे में जरूर हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संध्या कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कॉलर, पहले उनसे बात कर लेते हैं। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम संध्या जी। हाँ, मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। मेरी लड़की 18 अक्टूबर 2004 वार सोमवार शाम को 6:30 बजे का जन्म है, तो इसको नेवी में ज्वाइन होना है। उसके पापा थे, अभी तो 11वीं साइंस पढ़ रही है, तो उसका करियर बताइए और शादी का भी थोड़ा बताइए और उसका माणिक्य पहनना जरूरी है क्या? देखिए संध्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री का भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की स्थिति इस समय तृतीय एकादश की है, जो इस बात का संकेत करता है कि आपकी बेटी अपने मन में जिस भी विचार को स्थिर करेगी उसी कार्य में उसे सफलता मिलेगी। चंद्रमा अगर आजीविका का कारक हो तो ऐसे लोगों का आजीविका पानी से रिलेटेड होती है, नदियों से रिलेटेड होती है, समुद्र से रिलेटेड होती है, और नेवी में जाना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है, तो नेवी में इनका करियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो देखिए संध्या जी, बुध और बृहस्पति का जो योग बन रहा है इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसकी शादी में विलम्ब है। 26वें या 27वें वर्ष में इसका विवाह होगा और वो विवाह अच्छा रहेगा, उससे इसका भविष्य भी अच्छा होगा। तब तक इसे अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा में अगर दोष हो तो व्यक्ति किन मुश्किलों का सामना करता है, साथ ही उत्तर दिशा के दोषों को दूर करने के लिए किन उपायों को करना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए पूरब दिशा का दोष बताया, पूरब दिशा की अच्छाई आपको बताई, पश्चिम दिशा के दोष बताए, पश्चिम दिशा के दोष को दूर करके किस तरह से आप सफल हो सकते हैं ये मैंने बताया। अब हम उत्तर दिशा की बात करने वाले हैं, और जैसा कि इतने दिनों से कार्यक्रम देखते देखते आपको भरपूर पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है कि ये उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, ये आपको अच्छे से मालूम है। उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व ग्रह बुध करता है, सब प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति उत्तर दिशा के शुभ होने पर ही प्राप्त की जा सकती है। उत्तर दिशा शुभ हो तो परिवार में रहने वालों को बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को दोस्तों का साथ मिलता है, हर सुख प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा में दोष ना हो तो नौकरी का सुख भी अच्छा मिलता है, लेकिन उत्तर दिशा दोषपूर्ण हो तो ऐसे परिवार में माता का सुख, भौतिक सुख, नौकरों का सुख, ये सब प्रभावित होते हैं। उत्तर दिशा में वास्तु दोष होने पर हार्निया, हृदय से जुड़ा हुआ रोग, स्किन डिजीज, गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या, मानसिक तनाव, फेफड़ा और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे आप,
उत्तर दिशा के दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में बुध यंत्र और कुबेर यंत्र एक साथ लगाइए। उत्तर दिशा को ज़्यादा ऊंचा ना बनाइए। उत्तर दिशा में थोड़ा खाली स्थान जरूर रखिए। उत्तर दिशा का भाग कटा हुआ है तो इस दिशा की दीवार पर एक बड़ा आईना लगाइए। घर की दीवारों में हल्का हरा रंग करवाइए। उत्तर दिशा की तरफ तोते का चित्र लगाइए और रोज सुबह शाम पूर्व उत्तर के कोने में बैठकर श्री यंत्र की विधिवत पूजा आराधना करके श्री सूक्तम के मंत्रों का भाव विभोर होकर के पाठ करिए और माँ महालक्ष्मी के साथ साथ कुबेर का आवाहन कीजिए कि वो आपके निवास में आकर के अपना अस्थाई निवास बनाएं और परिवार की सुख समृद्धि में सहायक हों। जय माँ विंध्यवासिनी। और सुगंधा उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुगंधा जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। सुगंधा नहीं मैडम, सुनंदा जी। सुनंदा जी, आप बात करिए पंडित जी से। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो सुनंदा। मेरा बेटे के लिए पूछना है, इसका टेम्पररी पोस्ट लगा है, जब परमानेंट होगा उसका शादी कब होगा पूछना था। कितने साल का है बेटा आपका? 29 चल रहा है सर। तो आपके पुत्र भाव का स्वामी हुआ बुध और उससे दशम भाव का स्वामी हुआ बृहस्पति। बुध और बृहस्पति दोनों इत्थसाल तो कर रहे हैं लेकिन शनि मड़ऊ कर रहा है, इसका मतलब अभी प्रमोशन का योग नहीं है। योग्यता होते हुए भी, सारी योग्यता होते हुए भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने पुत्र से कहें कि वो शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी का चित्र साउथ फेसिंग लगाकर उसके सामने घी का दिया जलाकर सात शनिवार सुंदरकांड के पाठ करें, बतासा या फिर लड्डू के प्रसाद चढ़ाकर उसे घर के सदस्यों में बांटें। ये उपाय सात शनिवार करने पर प्रमोशन भी होगा और आगे का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और बाकी दिशाओं से जुड़ी खास जानकारी भी जानेंगे आगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए कालचक्र के साथ। हम यू गए और यू लौटे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। आज से अपने घर की दिशाओं पर जरूर गौर करें, क्योंकि यही दिशाएं आपके दुखों का कारण बन सकती हैं, यही दिशाएं आपका सुख चैन छीन सकती हैं, यही दिशाएं आपको अर्श से फर्श पर ला सकती हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में अगर दोष हो वो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दक्षिण दिशा के दोषों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही आधा लोगों का तो चेहरा ही उतर जाता है, जैसे दक्षिण दिशा न हुई कोई बहुत बड़ा हवा हो गया। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ना सबके लिए दक्षिण दिशा खराब होती है, ना सबके लिए दक्षिण दिशा अच्छी होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ दक्षिण दिशा के नाम पर आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी आपको दिख रही है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए दक्षिण दिशा वरदान भी होती है और कुछ लोगों के लिए दक्षिण दिशा अभिशाप भी होती है। ये हर दिशाओं के साथ है। हाँ, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए मंगल ग्रह धैर्य पराक्रम साहस शक्ति क्रोध उत्तेजना षड्यंत्र शत्रु विवाद और छोटे भाई बहनों का कारक है। अचल संपत्ति भूमि और रक्त का कारक ग्रह भी मंगल ही है। तो दक्षिण दिशा पद प्रतिष्ठा और पिता के सुख और जीवन में अस्थायित्व प्रदान करने की मुख्य दिशा है। घर की दक्षिण दिशा में कुआं, दरार, कूड़ादान, पुराना कबाड़ अगर है तो परिवार में रहने वालों को हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में कुआं या जल का स्थान अगर बन गया है तो परिवार में रहने वालों की दुर्घटना में अचानक मृत्यु
हो सकती है। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर घर में अचानक मृत्यु, महिलाओं को रोग, गर्भपात, हाई ब्लड प्रेशर, फोड़े फुंसी और हड्डियों में तकलीफ होती है। जिन लोगों को पेट की बीमारी होती है, खास करके अल्सर जिनको होता है, जिनको ब्लीडिंग होती है, जिन्हें भगंदर बवासीर जैसे रोग होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा खराब होता है। अगर आपको भी नौकरी और कारोबार में नुकसान समझ में आ रहा है, मान सम्मान प्रभावित हो रहा है, पिता के सुख में कमी आ रही है, पिता के जीवन में चुनौतियां बढ़ रही हैं और दक्षिण दिशा में दोष होने पर क्रोध भी बढ़ रहा है, भाइयों से विवाद हो रहा है, विरोधी बढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि दक्षिण दिशा में हमेशा ऊंचा और भारी निर्माण करवाएं। दक्षिण दिशा में मंगल यंत्र तांबे के कूर्म पीठ पर बनवाकर लगवाएं। दक्षिणावर्ती गणेश का चित्र या मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर और बाहर की ओर जरूर लगाएं। मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। भैरव, हनुमान जी और गणेश जी की उपासना करें। हर मंगलवार को भूखे लोगों को भोजन और मिठाई जरूर खिलाएं। इससे सारे दोषों का समन होगा, भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और रश्मिका हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुकी हैं। रश्मिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से आप। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरे माता पिता के बीच तालमेल नहीं रहता है, दोनों के बीच मतभेद रहता है। पिताजी अपने मन की ही सबसे चलाते हैं, बहुत जिद्दी है, कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलते हैं और नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। मेरी पिता की डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 64 दोपहर 12:05 को। देखो बेटा, माता पिता के बीच में संबंध अच्छे रहें, पिताजी समझदारी से काम करें, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक पारे का शिवलिंग अपने माताजी से कहिए कि वो सोमवार को अपने घर ले आएं और एक पीतल की थाली में पारे का शिवलिंग रख कर उस पर एक तिपाया स्टैंड बनवा कर तांबे के लोटे में जल भरकर 24 घंटे जल की धारा उस पारे के शिवलिंग पर दें और जब भी संभव हो तो बेलपत्र, भस्मभूति, धूप दीप से आरती करें और ओम नमः शिवाय का घर में जप करें। ये उपाय कुछ दिनों तक करने पर घर का वास्तु दोष भी ठीक होगा और आपके पिताजी के स्वभाव में परिवर्तन भी आएगा और स्वभाव का परिवर्तन आते ही घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। दक्षिण दिशा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उत्तर पूर्व दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब उत्तर पूर्व दिशा का मतलब ईशान कोण, जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, देव स्थान भी यही है। ईशान कोण का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और यहाँ के देवता कौन है? भगवान शिव। यह दिशा ज्ञान धर्म कर्म की सूचक है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति सात्विक नहीं रह जाती है। इस दिशा में दोष होने पर या कुंडली में बृहस्पति ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों का पूजा पाठ में कभी भी मन नहीं लगता है, बड़ों का सम्मान नहीं हो पाता है, परिवार में सामंजस्य और प्रेम का अभाव रहता है, परिवार में धन की कमी बनी रहती है, परिवार के बेटे या बेटी के विवाह में देरी होती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष हो तो लीवर, डायबिटीज से जुड़े रोग हो सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई हो तो खांसी, कमजोर पाचन, अपच, पेट से संबंधित रोग, आंतों से जुड़े रोग होते हैं। ऐसे में घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष होने पर
इस दिशा में पानी का फुव्वारा, छोटा सा तालाब या बोरिंग बनवाएं और इस दिशा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी शौचालय का निर्माण भूल करके भी नहीं कराना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। श्री यंत्र के सामने बैठकर श्री सूक्तम का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जितेश सूरत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। जितेश जी, स्वागत है आपका। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी प्रणाम, मैं जितेश सूरत से बोल रहा हूँ जी। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बारे में, मेरी सिस्टर के बारे में और माता जी के बारे में पूछना है। पंडित जी, मेरी उम्र 27 साल हो गई है और मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ 5-7 साल से जी। बट पंडित जी, मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है जी। तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और हमारी सिस्टर है, उनका हमने शादी किया था मुंबई में, बट किसी कारणवश उनकी शादी टूट गई है। तो उसका दूसरा रिश्ता कब तक हो पाएगा पंडित जी? और हमारी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत दवा करते हैं, उनको आराम ही नहीं होता। रोज महाराज जी कुछ ना कुछ मतलब उनको लगा ही रहता है। उसके लिए उनका कोई उपाय बता दीजिए कि उनका सेहत अच्छा रहे। देखो बाबू जितेश, ऐसा है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये ठीक बात समझ में आ रही है। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जहाँ राहु की स्थिति है। शुक्र शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आप 2 महीने बड़े उत्साह से पढ़ते हैं तो 2 महीने एकदम लेजी हो जाते हैं। आपका उत्साह हर समय बना रहे, इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करना चाहिए। बहन के विवाह विच्छेद की जहाँ तक बात है, तो उसमें तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह विच्छेद तो हो ही गया है, लेकिन अब दूसरा विवाह होने में समय लगेगा। बहुत जल्दबाजी न करें और बिना बहुत सोचे समझे पुनः किसी कम परिचित व्यक्ति के साथ विवाह न करें। माता जी की तबीयत की जहाँ तक बात है, तो जितेश जी, आपके मातृभाव का स्वामी मंगल है, जो सूर्य और केतु के साथ है। इन्हें ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, हड्डियों में दर्द भी होता है, नसों में खिंचाव भी होता है। तो ऐसे में एक तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सुबह सूर्योदय के समय उठ करके नहा करके सूर्य को जल दिया करें। दूसरी बात, अपने दोनों हाथ हल्के से ऊपर करके 24 बार गायत्री मंत्र बोला करें। और तीसरी बात, एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ रोज गाय या गाय के बछड़े को खिलाया करें। इससे काफ़ी हद तक इन्हें दवाइयां फायदा करेंगी और इनका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी और भी दिशाएं हैं जिनके बारे में बात करनी है। उत्तर पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उपाय आप क्या कर सकते हैं, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले ज्योति हमारे साथ जलंधर से जुड़ चुकी है, उनसे बात करते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात कर सकती हैं। ज्योति जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। मुझे अपने पिता के बारे में जानना है। मेरे माता जी बीमार रहते, मेरे पिताजी, और मुझे अपने घर के बारे में जानना है, हमारा घर कब बनेगा। और मेरे पति जहाँ भी काम करते हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते, कहीं ना कहीं पैसा जरूर फंस जाता है। यही जानना था कि बरकत भी नहीं होती है घर में, तो क्या। चलिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप प्रश्न करें तो अपनी उम्र बताना न भूलें, अपना नाम और अपनी उम्र जरूर बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। आपने अपने माता पिता के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं कि आपके माता पिता की अवस्था तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ज्योति जी, जो प्रश्न के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है, मंगल और दशम भाव का स्वामी शुक्र, दोनों ग्रहों की जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके आधार पर माता पिता जी थोड़ा सा, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण छोटी बीमारियों से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन लोगों को आप कहिए कि ये लोग दोनों एक साथ बैठकर सुबह शाम श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम
ताली बजा करके करें, घी का दिया जला करके करें राम दरबार के सामने। निःसंदेह छोटी छोटी दवाइयाँ भी इनके लिए रामबाण बन जाएंगी। और जहाँ तक आपके अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, तो थोड़ा सा संघर्ष अभी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी है। ये संघर्ष 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, उसके बाद काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात लगातार कर रहे हैं दिशा में होने वाले दोषों की, अभी उत्तर पश्चिम दिशा की हम बात करेंगे, लेकिन अजय मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी को अपनी उम्र बताते हुए उनसे बात कर सकते हैं। स्वागत है पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। मैं अपने बारे में पंडित जानना चाहता हूँ, मेरी डेट तो पता नहीं कैसे है, पर आधार कार्ड की एक एक काफी है जी। कुछ आज से स्थिति भी ठीक नहीं है और ऐसा ही चलता है, क्या करूं? देखो अजय, आपने जो प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव में राहु का होना इस बात का संकेत है कि आपकी सचमुच में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपके घर का वास्तु दोष भी जिम्मेदार है। आप अपने घर का रसोई घर देख लीजिए, क्या वो दक्षिण पूर्व दिशा में है? क्या पानी का सिंक उत्तर पूर्व दिशा में है? क्या फ्रिज उत्तर दिशा में रखी हुई है? क्या गैस कनेक्शन या गैस का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में है? अगर है तो फिर आपको अपने घर में हर पूर्णिमा को सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी चाहिए, हवन करवाना चाहिए। यह उपाय 5 पूर्णिमा करने के बाद आपके घर की उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात उत्तर पूर्व दिशा की तो हो गई, अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, देवता वायुदेव हैं। चंद्र ग्रह मन, माँ, मस्तिष्क और घर के माहौल, शिक्षा, आवास, नींद का कारक ग्रह है। उत्तर पश्चिम दिशा मानसिक विकास, मित्र शत्रु, अतिथि या रिश्तेदारों से संबंधित है। इस दिशा में दोष होने पर माँ और रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहते हैं, हमेशा मानसिक परेशानी, अनिद्रा या तनाव की स्थिति रहती है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में दोष होने पर अस्थमा और संतान से उत्पत्ति संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं हमेशा बीमार रहती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा मित्रता और शत्रुता को जन्म देती है। इस कोण में दोष होने पर परिवार में रहने वाले लोगों का स्वभाव क्रोधी हो जाता है, परिवार के शत्रु बहुत हो जाते हैं, घर में आग की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपाय पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों के घरों में उत्तर पश्चिम दिशा में दोष है, उनको इस दिशा में चंद्र यंत्र जरूर लगाना चाहिए। सबसे बड़ा दोष जानते हैं इस दिशा का क्या होता है? इस दिशा में आपका मंदिर हो जाए या आपका पूजा स्थान हो जाए, दैव भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर पश्चिम उत्तर के कोने पर आपका पूजा स्थान हो जाए या कोई मंदिर आप अपने इस डायरेक्शन में बनवा दें, तो फिर देवता भी आकर अगर आपकी मदद करना चाहें तो उनकी भी मदद आपके लिए कामयाब नहीं होगी। तो इस दिशा में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं लगाना चाहिए और किसी पर्व या किसी खुशी की बात की शुरुआत वहाँ बैठकर नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम श्राम श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। घर की दीवारों पर क्रीम रंग करवाना चाहिए। माँ और घर के बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन अर्चन करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और प्रीति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी स्वागत है आपका, पंडित जी से बात कर सकती हैं। पंडित जी जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। सर
पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में और अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बहन की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1998 और मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 24/6/87। क्या जानना चाहती हो पंडित जी? मेरे भाई बहन की शादी कब तक हो जाएगी? भाई के विवाह का योग तो बना हुआ है, अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। देर तो हो चुकी है लेकिन अब विलंब की स्थिति नहीं है। बस भाई को कहो कि वो मंगलवार का व्रत करे और हनुमान जी की उपासना करे, हर मंगलवार को 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे और थोड़े से लड्डू बूंदी के और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। 7 मंगलवार ये उपाय करते करते उनका विवाह तय हो जाएगा और उसके बाद बहन के भी विवाह का संयोग बना हुआ है। लेकिन चूंकि दोनों के उम्र में इतना बड़ा गैप है जिसके कारण 9 साल का गैप होने के कारण ये कहा जा सकता है कि विवाह में इतना गैप नहीं होगा। बहन के विवाह में फिर भी अभी कम से कम 2.5 से 3 साल का विलंब बना हुआ है। आपके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा का क्या महत्व है? इस दिशा में अगर दोष है तो कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको दक्षिण पश्चिम दिशा से जुड़ी जरूरी बातें बताएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही दक्षिण पश्चिम दिशा के दोषों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जाइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण, यहाँ का अधिपति ग्रह राहु केतु और देवता नैऋत्य हैं, इसीलिए इसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। राहु को दादा और केतु को नाना का प्रतीकात्मक ग्रह माना गया है। इस दिशा में यम की दिशा भी मानी जाती है। राहु का संबंध विदेशी भाषा, लोभ, झूठ, षड्यंत्र, दुष्टता, चोरी, जुआ और विदेशी यात्रा से भी है। केतु अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोने और घमंड का कारग्रह है। दक्षिण पश्चिम दिशा को आसुरी दिशा कहा जाता है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा खाली या खुली है, या इस दिशा में कोई गड्ढा है या नीचा स्थान है, या दक्षिण पश्चिम में बेसमेंट है, जल की व्यवस्था है या कांटेदार पेड़ हैं, तो दादा या नाना से संबंध बिगड़ते हैं। घर का मुखिया हमेशा बीमार और परेशान रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है और ऐसे व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। विरोधी पीड़ा पहुंचाते हैं, अहंकार बढ़ता है, घर में रहने वाले बात बात पर झूठ बोलते हैं, जुए की लत लग सकती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो सकती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष के होने पर घर की महिलाएं भी रोगी हो जाती हैं, घर में अचानक दुर्घटना या अग्निकांड हो सकता है, परिवार के सदस्यों को त्वचा रोग, पैरों की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे घर में कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, ससुराल से कष्ट होता है, पत्नी का नुकसान होता है, नौकरी में दिक्कतें आती हैं और घर में रहने वालों में झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए राहु केतु के निमित्त 7 प्रकार का अनाज और कंबल किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करना चाहिए। भगवान गणेश और माँ सरस्वती की नियमित पूजा और उपासना करनी चाहिए। इस दिशा में राहु यंत्र लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा को कभी भी खाली ना रखें। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज़ और, क्योंकि अभी हम दोषों की बात कर रहे हैं, दिशा से होने वाले दोषों की बात, और मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो घर को बार बार ठीक करा सके। एक बार घर बन गया उतना काफ़ी होता है। ऐसे में अगर घर में वास्तु दोष है, किचन गलत जगह बना है, टॉयलेट गलत जगह बनी है या कुछ भी गलत जगह बना है, तो उसको दोबारा तोड़कर बनवा पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ और उपायों के ज़रिए भी उनको ठीक किया जा सकता है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं आगम चेती सदा सुखी,
जो व्यक्ति भविष्य का चिंतन करके कोई कार्य करता है वही सुख का अधिकारी है, और जो बिना दूरगामी परिणामों पर ध्यान दिए हुए कोई कार्य तात्कालिक सुख के लिए करता है उसे दुख तो भोगना है। इसलिए चाहे आप घर खरीद रहे हों, चाहे घर आप बना रहे हों, तो उसके दूरगामी परिणामों पर तो आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर आपका ध्यान जाएगा तो वास्तु दोष यथासंभव कम से कम आप लेंगे। और यदि दोष ऐसा है कि जिसका निराकरण शास्त्रों में नहीं है तब तो तोड़फोड़ करवानी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें बिना तोड़फोड़ करवाए भी काम चल सकता है, जैसे अग्निकोण में पानी का स्थान हो, ईशान कोण में शौचालय हो, वायव्य कोण में मंदिर हो और नैऋत्य कोण में गड्ढा हो, तो चाहे जितना उपाय कर लीजिए जब तक इसमें तोड़ फोड़ नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। चाहे जितना उपाय कर लीजिए ये दोष होने के बाद व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अग्निकोण में रसोई नहीं है, मान लीजिए कि ईशान कोण में पूजा घर न होकर के पूर्व दिशा में है, सीढ़ी मान लीजिए दक्षिण दिशा में न होकर के वायव्य कोण में है, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इनमें फेंगसुई के सामानों को रख करके, पिरामिड रख करके, फाकुआ मिरर रख करके, भरी हुई नाव रख करके, लाफिंग बुद्धा का चित्र लगा करके, ये सब उपाय करके काफ़ी हद तक इसमें राहत पाई जा सकती है। लेकिन इसका जो एक्सपर्ट होगा वही बताएगा कि किस रोग में कौन सा टेबलेट काम करेगा। हर व्यक्ति हर चीज़ का ज्ञाता नहीं होता है और हर व्यक्ति एक ही दवा हर रोग पर नहीं चला सकता है, इसलिए जो इसका विशेषज्ञ होगा, जिसका अपना अनुभव होगा, वो इसमें आपको लाभ दे सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कि जब भी आप घर खरीदें या घर बनाएं तो पहले आप वास्तु को अच्छे से जांच परख लें और उसके बारे में पूरी जानकारी उसके एक्सपर्ट से मिलकर जान लें ताकि आने वाले समय में ऐसी परेशानी ना हो। आपके घर में दक्षिण पूर्व दिशा का क्या महत्व है, इस दिशा में अगर दोष है तो कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको दक्षिण पूर्व दिशा से जुड़ी जरूरी बातें बताएंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही दक्षिण पूर्व दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात आग्नेय कोण की, जिसे अंग्रेजी में साउथ ईस्ट भी कहते हैं। इस दिशा का अधिपति ग्रह शुक्र है और यहाँ का देवता जो है वो अग्नि है। आप जानते हैं शुक्र ग्रह विवाह का, प्रेम संबंध का, ऐश्वर्य का, नवयौवना स्त्री का, वाहन का, आकर्षक व्यक्तित्व का कारक माना गया है। अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष है तो पत्नी सुख में बाधा आता है, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आती है, असफल प्रेम संबंध होता है, वाहन से कष्ट मिलता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, मूत्र से संबंधित रोग होते हैं, गुप्त रोग या आंखों के रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा में किचन नहीं है, किचन की जगह पे बेडरूम है या कोई कमरा है या कोई वॉशरूम है, इस तरह का कोई वास्तु दोष अगर है, तो उस वास्तु दोष को दूर करने के लिए जहाँ वहाँ पर आपको एक शुक्र यंत्र बनवा करके और स्थापित करना चाहिए। अगर ये पंच धातु पर शुक्र यंत्र बनवाया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, या चांदी या स्फटिक का श्री यंत्र भी आप अपने पूजा स्थान में रखकर उसकी नियमित उपासना कर सकते हैं। श्री सुक्तम के पाठ जहाँ किए जाएंगे और श्री सुक्तम के मंत्रों से जहाँ हवन किया जाएगा वहाँ
अग्नि कोण से संबंधित वास्तु दोष अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। आग्नेय कोण या दक्षिण पूर्व दिशा में कभी भी पानी का टैंक या भूमिगत टैंक का निर्माण नहीं करवाना चाहिए और घर में कहीं भी बिजली के मीटर, बिजली के मेन स्विच और बिजली का कनेक्शन साउथ ईस्ट से ही होकर के गुजरना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये आग की दिशा है, अगर यहाँ किचन किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम इस कमरे में एक लाल बल्ब 24 आवर 0 वाट का लाल बल्ब 24 आवर आपको जला कर रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी, मुझे लगता है हर किसी को समझ में आया होगा कि घर में कौन सा दोष, कौन सी दिशा का दोष हो सकता है। उपाय आपने बताए जिससे उनको ज़रूर सहायता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और देश और दुनिया की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24।